दौसा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंच में लकड़ियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ये ट्रक दौसा के लालसोट से उत्तर प्रदेश जा रहा था। ट्रक में करीब 200 क्विंटल पंच में लकड़ियां मिली जो बिना परमिट ही परिवहन की जा रही थी। दौसा के DFO वी केतन कुमार ने बताया कि राजस्थान वन अधिनियम के तहत ट्रक को जब्त कर लिया गया है और राजस्थान वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने रोका और उसमें ये देखा कि कुछ उसमें टिम्बर मटेरियल थी, तो उन्होंने उसको जांच की तो उसमें पंच में लकड़ी मिली। एंड इसकी वजह से हमने फिर राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में इसको हमने जब्त किया है एंड सेक्शन 41-42 के अनुसार इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस ट्रक के अंदर में लकड़ी के स्पीशीज़ जो हैं वो बबूल, टोटलिस, नीम एंड अदर स्पीशीज़ थे, तो उसके अनुसार हम इस ट्रक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एंड अभी हमारे पास सेंट्रल नर्सरी कैंपस में सीज किया हुआ है।